एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। ऐसे तो रात ही में हम लोग कर लेते हैं, बट आज नहीं हो पाया था क्योंकि ये परेशान कर रहे थे रजा बेटा, तो मैं रात में नहीं कर पाई थी। तो मैं अब बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद अभी इधर ही खेल रहे हैं, सुख उठे हैं तो मैंने सोचा जब तक ये खेल रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ। अब मैं नहाने जाऊंगी। अब मैंने नहा लिया है और मैं बाल धो के नहाई हूँ, तो थोड़ा धूप में जाऊंगी बाल सुखाने, क्योंकि सही से केयर ना करो तो सिर भी दर्द करने लगता है ठंडियों में, और बाल भी मतलब देर तक गीला रहता है। कितना हेयर ड्रायर से सुखाओ तो उतना वो नहीं होता है जितना धूप में। तो थोड़ा मैं सिंदूर लगा रही हूँ और मॉइस्चराइजर लगा लूँगी तब जाऊँगी। मैं जब भी मॉइस्चराइजर लगाती हूँ तो थोड़ा सा 2 बूंद ये रोज़ वाटर मिला लेती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है, इसे स्किन मतलब सॉफ्ट रहता है। और सर्दी में तो ऐसे नहा के छोड़ दो, स्किन तो पूरा जल्दी ड्राइनेस हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे रोज़ वाटर मिला के लगाओ ना तो ठीक रहता है। मैं जा रही हूँ छत पे कपड़े लेके, और मैं धूप में बैठ के बाल भी सुखा लूँगी और कपड़े भी डाल दूँगी। मैं छत पे आई कपड़े लेके, तो यहाँ हबी जी और मम्मी जी थे छत पे धूप में, तो कहे कि रहने पे मैं डाल लेता हूँ, तुम बाबू को देखो। मम्मी जी यहाँ लेती थी और बाबू खेल रहे हैं। अब कपड़ा वपड़ा हो गया, डला गया है और ये खेल रहे हैं। इनको इनको उलटना पलटने का बहुत शौक है, ऐसे पेट के बल लेट के चलने लग रहे हैं। अब हम लोग नीचे आ चुके हैं और यहाँ ही लोग सो रहे हैं। मैं नाश्ता कर ली हूँ, थोड़ा गन्ना चूसने का मन कर रहा था तो वही मैं गन्ना चूस रही हूँ। अब मैं गन्ने का छिलका डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। अब दोपहर के 12 बजने वाले हैं, अब मैं इनको सुलाऊंगी और सोऊंगी, मुझे नींद आ रही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।